हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योगेश फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, रोजाना प्रयोग में आने वाले वाक्य। गाइस, ये डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस का पार्ट 10 है। आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस आपके सामने आने वाले हैं, तो इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए। वीडियो लेक्चर को गाइस इतनी बार देखिए कि एक एक सेंटेंस आपके ब्रेन में फिट हो जाए, और जब भी आपको मौका मिले ना, आप इन सेंटेंसों को यूज कर सको अपने कॉन्वर्सेशन में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। पहला सेंटेंस है, आपके पास कितने पैसे हैं। इसको आप कहते हैं हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव। नेक्स्ट, तुम वहां क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर, वाई डू यू गो देयर। नेक्स्ट, मैं वहां किसके साथ गया, With whom did I go there? With whom did I go there? Next, मेरा दिन अच्छा गुजर रहा है। इस तरह से आप कहते हैं ना, इसको आप बनाते हैं I am going through a good day. I am going through a good day. अगला सेंटेंस है, मैं अपने बच्चे को नहला रहा हूँ। इसको आप कहते हैं I am giving a bath to my son. I am giving a bath to my son. Next, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ पर मुझे समझ नहीं आता कि कैसे। I want to learn English but I can't understand how. I want to learn English but I can't understand how. अगला सेंटेंस है, क्या ग्रामर सीखना जरूरी है। Is it important to learn grammar? Is it important to learn grammar? Next, मैं पढ़ लेता हूँ लिख लेता हूँ पर जब बात बोलने की आती है तो अटक जाता हूँ। मैं पढ़ लेता हूँ लिख लेता हूँ पर जब बात बोलने की आती है मैं अटक जाता हूँ। I can read, I can write, but when it comes to speaking, I fumble. I can read, I can write, but when it comes to speaking, I fumble. Fumble का मतलब होता है कुछ बोलते हुए अटक जाना, इसको हम कहते हैं fumble. Next, लोग कहते हैं कि मुझे इंग्लिश में सोचना होगा। People say that I will have to think in English. People say that I will have to think in English. Next, पर कोई मुझे बता सकता है कि इंग्लिश में कैसे सोचा जाए। बट कैन एनीबडी टेल मी हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, बट कैन एनीबडी टेल मी हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। तो गाइस, बहुत ही छोटा सा वीडियो लेक्चर था। इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में 10 सेंटेंसेस मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। गाइस, जितना आप शेयर और लाइक करते हैं ना, उतना हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए बेहतर वीडियो लेकर आएं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।